कोरोनाग्रस्त रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनची व्यवस्था करण्यात येत असून येत्या काही दिवसात ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेची अडचण निर्माण होणार नाही असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज नागपुरात बोलताना दिला. नागपुरात भिलाई वन ठिकाणाहून ऑक्सिजनचा पुरवठा होत आहे. भिलाईच्या स्टील प्लांट मधून 110 टन तर सेलच्या उपक्रमातून 30 टन असा 140 टन ऑक्सिजन उपलब्ध होत आहे. ऑक्सिजन नागपुरात आणण्यासाठी वाहतुकीची अडचण पॅरेखान या व्यावसायिकाने दूर केली आहे. त्यांची वाहने आता त्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. नागपूर से ऑक्सिजन अकोला वाशिम अमरावती चंद्रपूर भंडारा गोंदिया छिंदवाड़ा तक जाता है. अभी तक हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन का टोटल जो कोटा मिला है वो भिलाई से पहले 60 टन का मिला था, अब 110 टन का हुआ और जो सेल करके वहाँ दूसरा है वहाँ से 30 टन का ऐसा 140 टन का कोटा हमको भिलाई से मिला है. पर भिलाई से ये कोटा लाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो गाड़ियाँ थी जो प्राइवेट कंपनी की थी उसमें से 4 गाड़ियाँ निकल गई. एक 2 गाड़ियाँ दिल्ली चली गई वापस और 2 गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ सरकार में उनको अपने काम करने लेके गए. तो 7 में से 3 ही गाड़ियाँ रही जो हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे. श्री पैरे खान जी ने हमें मदद की और अभी 7 गाड़ियाँ उन्होंने लगाई. तो ये करीब 140 टन अगर ऑक्सीजन भिलाई से पूरा हम ला सकेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ जो आइनॉक्स कंपनी है वो 80 टन ऑक्सीजन हवा से तैयार करती है. हमारी रोज़ की रिक्वायरमेंट पूरे नागपुर और विदर्भ की ध्यान में रहते हुए 200 टन ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है. हम भिलाई से ऑक्सीजन जो लाते थे उसके ट्रांसपोर्ट करने में देरी हो रही है. उसमें ध्यान में यह आया कि कल रात को मैंने जिलाधिकारी के साथ इसमें काम करने सभी लोगों की चिंता की और अब ये ट्रांसपोर्ट का पूरा जो मॉनिटरिंग है वो पैरेखान जी के कंपनी को दिया है. यहाँ आने के बाद गाड़ी को 3-3, 4-4 घंटे समय नहीं लगना चाहिए. तुरंत उसने ऑक्सीजन निकाल कर वापस भिलाई जाना चाहिए क्योंकि संख्या कम है. हमने 2 टैंकर बेल्लारी से लाए हैं सर्जन जिंदल को देश दबे से उनसे रिक्वेस्ट करके और बाकी विशाखापट्टनम से लाए हैं और भी हम कोशिश कर रहे हैं. और टैंकर मिलेंगे पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि उसकी मूवमेंट जल्दी होनी चाहिए. इसके बारे में यहाँ 20,000 सिलेंडर अभी हमारे पास नागपुर में है. इसमें 10,000 सिलेंडर खाली रहते हैं और 10,000 सिलेंडर हम प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं. ये जो प्लांट है इसमें भी विश्वेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को कल रात को मैंने फ़ोन करके इस प्लांट में कभी पावर का प्रॉब्लम आता है कभी मैकेनिकल का प्रॉब्लम आता है इस प्लांट के बारे में भी कहा उनको क्या सपोर्ट देना चाहिए इसके अध्ययन करने के लिए. आज उनकी टीम को भेजना सब जगह भेजने की बात की है. अरे खान जी अब इसका ऑपरेशन जो है वो पूरा कलेक्टर ऑफिस में करेंगे और मेरे विश्वास है कि अगर हमको मिला हुआ ऑक्सीजन अगर ला पाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी. इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो NCB वेंटिलेटर्स बड़े प्रमाण पर विदर्भ के सभी तालुका तक एटापल्ली सिरोज का है सब पहुँचा रहे. वो भी डिलीवरी आने में अड़चन होती है. आज ही अमरीका से डॉक्टर शाह करके हैं उन्होंने 1100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट देने की बात की है और एयर इंडिया के विमान से फ्री ऑफ चार्ज नागपुर तक आए ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं. संकट गहरा है पर अब आने वाले कल से ऑक्सीजन का संकट नहीं रहेगा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा. एक पेशेंट कोई 20 लीटर ऑक्सीजन लेता है कोई 5 लीटर लेता है उसके परिस्थिति पर यह डिपेंड होता है. तो रेशनिंग का कोटा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे ऑक्सीजन का नहीं हो सकता. और दूसरा ऐसा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है तो लोगों का एडमिट है मत करो. इस प्रकार की भूमिका लेना उचित नहीं है. हाँ एक बात जरूर है कि जनता ने यह समझना चाहिए कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहे हैं. हम ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कुछ जगह कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं. पर लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार एक्सपांशन कर रहे हैं बेड्स का. हमारे पास पूरी व्यवस्था कभी है कभी थोड़ी कम है फिर भी कर रहे हैं क्योंकि लोगों का प्राण न जाए. लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे इसमें कोई मदद के बिना